Welcome back to Classy of Learning. We are with RAHUL SHARMA, your friend and guide, and today we are here to discuss the questions for Pedagogy of English. Oh, the certain students, those are going to give the paper of teaching of English. उनके क्वेश्चंस में यही होने वाला है, तो पहले क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे जब बात करते हैं कि टीचर ऑफ इंग्लिश या पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश को किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए देखना है, तो दिस विल कवर द एंटायर इंडिया बीएड कोर्सेज फॉर द टॉपिक ऑफ पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो ये कोर्स कंटेंट होने वाला है। आपको ये क्वेश्चंस ऑन टिप आने चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं दैट इन अ पेपर वी डू हैव अ फॉर्मेट ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन देन द लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 16 नंबर का पहला होगा, जिसमें चार शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टॉपिक्स आएगा। उसके बाद हमारे पास चार यूनिट होने हैं, जिनमें से एक ही क्वेश्चन चूज करना है और 16 नंबर का आंसर लिखना है। अब यहां पे जब बात होती है इंग्लिश की, सर पैडागॉजी इंग्लिश, 90% स्टूडेंट्स ऑफ द बीएड चूज इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट। वो मेन सब्जेक्ट लेने के बाद उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि जो आप लोग सोच के आते हैं कि सर हमें एक एसे या एक आर्टिकल लिखने आएगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ये बीएड का पेपर है गाइस। तो बीएड के पेपर में हमें कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी करना है, जिसको हम पेपर बोलते हैं। दोज़ हू आर बीइंग मास्टर्स दे डू हैव अ नॉलेज की एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पेपर होता है, उसकी सारी की सारी फॉर्म्स यहां मिलती है। तो ये पेपर को करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस को ऑन टिप करना है। लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड डिस्कस दीस significant points. The first question, short notes. The very first question is the functions of language. Language ke functions kya hote hain? What are the functional language? Aur hame on tip aana chahiye. So functional language ko define karenge, pehle language ko define karenge, fir functional language define karenge, aur jab function batayenge to koshish karenge ki aap 2 se 3 line mein har function ko define kar dein, kyunki ye short note mein hai. हाँ, अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आता तो फिर बात अलग थी, फिर मैं फंक्शन उनके इंप्लीमेंटेशन हाउ दे वर्क सब एक्सप्लेन करता। देन नेक्स्ट नंबर टू, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। जब आप मल्टीलिंगुअल अप्रोच करेंगे तो इसके साथ मेरी राय है कि आप बायलिंगुअल अप्रोच भी कर लेंगे। प्लीज वर्क ऑन बायलिंगुअल अप्रोच टू मल्टीलिंगुअल एंड बायलिंगुअल। अब सर ये क्या होता है, जहां पे लैंग्वेजेस एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज होती हैं, वहां मल्टीलिंगुइज्म अप्रोच कहते हैं। इंडिया इज अ प्लेस वेयर वी डू हैव अ मल्टीलिंगुइज्म ऑफ लैंग्वेजेस। सर मल्टीलिंगुइज्म लैंग्वेजेस आपकी मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज एंड द लॉट्स अदर लैंग्वेजेस, दोस आर बीइंग यूज्ड बाय द पीपल। एक ही जगह कई सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम कहते हैं मल्टीलिंगुइज्म का फॉर्मेट है, जिसको एक्सप्लेन करना है। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। What does mean by the cooperative learning? Sir, constructive approach क्या होती है? ये अच्छा question है। इसके लिए आप अगर subscribe कर चुके हैं चैनल को, तो चैनल की playlist में जाएं, आपको दोनों ही पूरी वीडियो मिल जाएगी। Constructive और cooperative की explanation अच्छे से मिल जाएगी, आप उसको detail में पढ़ सकते हैं। Even you can find each and every answer in the playlist of B.Ed. Come up to the next point, micro teaching. So what is माइक्रो टीचिंग? अगर एक बोलूं 4 से 5 मिनट की क्लास है जिसके अंदर ब्रीफ किया जाता है किसी पॉइंट को, हम बोलते हैं सर दैट इज नॉट टू बी माइक्रो टीचिंग। सर इसकी एक वीडियो प्लीज तैयार कीजिए, माइक्रो टीचिंग, ऐसे बड़े सारे रिक्वेस्ट आ रही है। तो माइक्रो टीचिंग की वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, प्लीज गाइज गो टू बीएड लिस्ट, वहां प्ले लिस्ट में आपको माइक्रो टीचिंग की वीडियो मिल जाएगी। देन वॉट इज द डिफरेंट माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग, दोनों को डिफाइन भी किया गया। कम अप टू द नेक्स्ट फेज, importance of audio video aids. ये question expected है, even it can come in a full fledged form too. आप कहते हो सर the importance of audio video aids, ये audio video aids क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और ये आज के टाइम में why talk about education today's world, और इरा इसमें audio video aids की क्या uses है, ये हम सब जानते हैं। even some of you have been go through by audio video aids in your class 10th English exam. आपने डील किया होगा जहां पे आपको बुलवाया गया था, रिकॉर्डिंग की गई थी, वो ऑडियो टू एज का एक पार्ट है। नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग द फिल्म स्ट्रिप्स। प्लीज ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ना छोड़ें। हमें लगता है कि फिल्म स्ट्रिप्स जब मैं छोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इस टॉपिक का कोई लेना नहीं, ये मैटर करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू वर्क आउट दिस टॉपिक, क्योंकि पेपर के पॉइंट से सबके दिमाग में रहना चाहिए। कम अप टू द नेक्स्ट फेज, कॉजेस ऑफ डिफेक्टिव pronunciation among students. Sir, pronunciation की बात की जाती है तो it do vary people to people. I do a different pronunciation, somebody have different pronunciation, they been saying in a different manner. उच्चारण, हिंदी में बोले तो उच्चारण की विधि को बताने के लिए जो समस्याएं आती है उनको टीचर कैसे काम कर रहा है,
how a teacher been working on the causes of the pronunciation that you guys have to work on. Respectful plus question be expected hai. Intensive and extensive reading. Now, readings are types of readings are baat kiya tha, intensive reading or extensive reading and how they've been different. Kaise work out karna hai inke liye videos ko dhyan rakhiye. Please samajhne ki koshish kare. और हाँ जो गाइस बड़े परेशान हैं कि सर आप प्लीज लाइव नहीं आते तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको मैं लाइव मिलने वाला हूं तो कीप द नोटिफिकेशन बटन प्रेस्ड. जैसे मैं नोटिफिकेशन मैं आता हूं लाइव आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी. तो गाइस कम ऑन नोटिफिकेशन टू. नाउ टाइम टू वर्क आउट यूनिट 1. हियर वी आर हियर. नंबर 1 एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स. सर इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है इंडियन स्कूल्स में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत जनरल सा क्वेश्चन है दिमाग में आता है लेकिन अब सब 16 नंबर का आंसर है. 16 नंबर के आंसर में क्या क्या लिखेंगे कैसे हाईलाइट करेंगे चीजों को कैसे बताना है किन किन चीजों को हम समझ पाएंगे ढंग से बता पाएंगे. तो यहाँ पे पॉइंट आता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स. सेकेंड एक्सप्लेन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. Guys, go to the playlist. मैंने कहा playlist please जाएं. ये सारे आंसर मिलने वाले हैं आप. वहाँ बताएंगे inductive और deductive method of teaching क्या है, कैसे deal कर पाएंगे, कैसे समझते हैं हम, thorough workout कैसे करेंगे. And that is really very important. Come up to the next phase. Explain the concept of language acquisition. What is language acquisition? क्या होता है? किसी दूसरे की language को acquire करना, हाँ उसका use करना, फिर मैं किसी भी language को acquire करूँ उसको कैसे use करवाना, हाँ I'm getting the benefits. ये सब हमें ध्यान रखना है, हमें इनको rule out करना है. So the question is explain the concept of language acquisition. क्या है language acquisition? कैसे काम की जाती है? किन-किन चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है. Next unit 2 question 4. Bring out the difference between the method and approach. Please work on this question. यही question आपको बाकी papers में काम करेगा. जब आप pedagogy of commerce, pedagogy of economics की बात करेंगे, specially वहाँ भी काम करने वाला है. तो इसको please ध्यान रखें. कह रहा bring out the difference between method and approach. Then question next. Now, what do you understand by poetry? Sir, ऐसा question क्या paper में आ सकता है? Really आ सकता है. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे what do you understand by prose? What do you understand by composition? Make sure तसल्ली से दिमाग में लिखने क्वेश्चन. क्वेश्चन आया है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पोएट्री एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री. इसी क्वेश्चन को चेंज करके यहां पे प्रोज या कॉम्पोजिशन और उसके जनरल प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ टीचिंग पोएट्री प्रोज या फिक्शन या कॉम्पोजिशन आ सकता है. तो ऐसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस. अगर आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. Come up to the next phase. Discuss the use of ICT. Sir, इसको जरूर करें. मैं seriously बोल रहा हूँ, आपने कहा ICT पे सर project work भी है. हाँ, तो इस question को करना ना भूलें. कहता है discuss the use of ICT in learning exercise for language competency. Language competency में हम ICT का use कैसे करते हैं, किस तरह हमें benefit होने वाला है और हम कैसे समझ पाएंगे, इसको rule out करना आपने. Come up to the next question. 4 point. Briefly explain the utility of seminars. Utility of seminars in teaching English. Seminars की utility क्या है? और जब English की बात की जा रही है, English को प्राप्त हुए, seminars का uses क्या है? किन किन चीजों को दिमाग में रखना है? कौन सी चीजें आती हैं जो हम बता सकते हैं? हम उनको load भी करें. Come up to the next phase. How can a teacher make improvement in pronunciation of students? Please इस question को ध्यान से करें. How can the teacher make improvement in pronunciation of students? Sir, वो causes था. That was the causes and this is the improvement in pronunciation. तो दोनों को अलग-अलग clear करना जरूरी है. हम कैसे explain करेंगे जानना जरूरी है. तो दो अलग point होते हैं, इनको समझना जरूरी है यहाँ पे. And then come up to the next phase. इसकी option में हमें दिया है what are the essentials of good handwriting. इस question को हम छोड़ देते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना, यार ये नहीं आने वाले. वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में. सीरियसली अब ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो जरूर आते हैं, तो हमें इनको पढ़ना है. कहता व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ गुड हैंड राइटिंग, हाउ विल यू प्रोसीड टू इंप्रूव द राइटिंग ऑफ योर स्टूडेंट्स. आप अपने स्टूडेंट्स की राइटिंग को कैसे इंप्रूव करेंगे, किस तरह उनकी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या बेसिस है, इनको ध्यान रखना है आपने. कम अप टू द नेक्स्ट यूनिट.
Question number next, sorry. Describe the types of reading. Explain the silent and loud reading and its objective. Sir, types की reading को intensive, extensive इसमें डाल देना वहाँ पे question था आपका. Sir, आपके अंदर loud reading है, silent reading है, reading की composition है, कई सारी चीजें हैं. वो सारी चीजें यहाँ आएंगी. और आप दिमाग में रखेंगे हमें करनी है. Then, last unit, unit number 4. क्या What do you understand by remedial teaching? So, what is remedial teaching? क्या होती है remedial teaching? कई बच्चे बेचारे ना लैग कर जाते हैं. अब उनको जो लैग करेंगे आगे तो पढ़ाना है, सिखाना भी है, तो उनको अलग टाइम देना, उनके लिए अलग सेशन तैयार करना, उनके लिए एक अलग प्रोसीडिंग तैयार करना, एक पूरा सा पूरा करिकुलम के साथ उनको एक टाइम देना रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है. और व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. और व्हाट इज मेजरमेंट, सही मेजरमेंट क्या होती है, मापना, मापने को मेजरमेंट कहते हैं. बट How is the evaluation different from measurement? अब evaluation और measurement में क्या फर्क है? ये detail में जाना. इसके लिए फिर video देखना measurement और evaluation की. मैंने दी हुई है उसको please workout करें. Come up to the last question of this video class. What are the advantages and disadvantages of a peer evaluation? What is peer evaluation? क्या होता है peer evaluation? कैसे rule out करते हैं? Peer evaluation को कौन सी चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है? So peer evaluation is a guy who was your age, same age का होता है आपके साथ, आपको evaluate करता है कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, हो सकता है friend भी हो, ठीक है, जो आपको help करेगा और guide करेगा चीजों को समझाने में. Last, explain creative thinking. What do you mean creative thinking? Write the technique to foster creativity. Creativity को बढ़ाने के लिए क्या-क्या चीजें use किया गया, ये सब आपको highlight करना है. अब आपने कहा सर इनके अलावा क्या आपको ये question करना है, तो pedagogy को workout करना. प्लीज वर्क फॉर द पेडागॉजी. जी हाँ, जब बात की जाती है सर सब्जेक्ट की बात की गई है तो पेडागॉजी का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जिसको आपको प्रिपेयर करना है. व्हाट इन पेडागॉजी, यस यू हैव टू क्लियर दैट. वो कैसे लोड करती है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, आप ये सब करेंगे. एंड आई होप यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस. किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आती है, कोर्स कंटेंट मैच नहीं कर रहा आप यूनिवर्सिटी का, फील फ्री टू शेयर इन कमेंट बॉक्स. कुछ ज्यादा इमरजेंसी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा गिवन होता है, आप वहां से व्हाट्सएप नंबर लेंगे और अपने रिक्वेस्ट या प्रॉब्लम डाल सकते हैं. एंड दोज हु आर हैविंग माय नोट्स ऑफ बीएड, गाइस दीस आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू वर्क आउट फ्रॉम दैट नोट्स. सारे आंसर आपके पास है नोट्स में, उनको आप लोड कर सकते हैं. एंड दोज हु वांट द नोट्स व्हाट्सएप, रियली मेरा नंबर दिया हुआ वहां व्हाट्सएप करेंगे, यू कैन गेट द नोट्स बट यू हैव टू पे फॉर द नोट्स. टिल देन कीप वॉच. और हाँ, अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट.